हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या जो प्रूफ नहीं किए जा सकते हैं उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए, टू एग्जाम है, एक हमारा 6.1 है और दूसरा 6.2। ये क्या कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ फॉर इज 180 डिग्री। देखिए क्या रहा है, क्या रहा है, ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। देखिए एक हमारी ये रे क्या हो गई, ये हमारी ओसी रे कहां पे, एक लाइन पे स्टैंड कर रही है। उसके बाद कह रहा है देन द सम ऑफ टू एंगल, मींस ये एंगल, एंगल इसके हम 1 लिख दिए और एंगल ये क्या लिख दिए, एंगल 2, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर, 180 बराबर के। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल्स 2 का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक रिजल्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से दूसरा है, कह रहा है 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया, ये लाइन हमारी ओसी किस पे, इस लाइन एबी पे है, इन दोनों एंगलों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री को जा रहा है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे ये OA और OB ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन, ये मतलब हमारी OA और OB किस पे फॉर्म हो रही है, इस लाइन की, लाइन हमारी कैसी होगी, AB किस पे, इस पे फॉर्म हो रही है। तो मतलब क्या है, पहले का जस्ट ये हमारा जो रिजल्ट क्या है, कन्वर्स है। पहले कह दिया था द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, कह रहा है कि ये जो हमारा सेकंड रिजल्ट है, दो मतलब एडजेसेंट एंगल का सम इसके 180 डिग्री होगा, उसके साथ ही क्या कंडीशन होगी, उसकी जो दो नॉन कोलिनियर आर्म्स हैं, जो हमारी क्या AO और OB किसके पे होंगे, लाइन पे होंगे, तो ये हमारी क्या लाइन पे है, तो इन दोनों का एंगल का सम किसके 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे हम देखेंगे, तो उसका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। पहली थ्योरम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए यहां 6.1 थ्योरम कह रहा है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि ए ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के, और दूसरा हमको दिखाना ए ओ डी बराबर किसके, बी ओ सी के, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, गिवन कह रहा है, क्या दिया गया गिवन में, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमको ये प्रूफ करना, क्या दिया गया है, टू लाइंस दिए गए और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमने दो लाइंस लिख दिए, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए लिख दे रहे हैं गिवन में, लिखेंगे गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किस पॉइंट, ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए हमने क्या लिख दिया, ए बी और सी डी दो लाइन है, किस पॉइंट पर है, दे इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब अगर ओ पे इंटरसेक्ट होंगे तो हमारे कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे, एंगल ए ओ सी, दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी एंड, देखिए ये हमारा क्या ए ओ सी और दूसरा क्या हो गया, बी ओ डी, और देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, ए ओ डी, एंगल हमारा क्या हो गया, ए ओ डी एंड एंगल ए ओ डी, और क्या फार्मूला है, एंगल बी ओ सी, ये क्या हो रहा है, ये एंगल फार्मूला है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव
जो हमको प्रूफ करना है यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या, हमको क्या प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू किसके, एंगल हमारा हो जाएगा बी ओ डी के, और पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ए ओ डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल हो जाएगा बी ओ सी के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है। देखिए इतनी बात हम क्या करेंगे, अगर कोई थ्योरम दिया रहेगा तो जो गिवन है सबसे पहले गिवन को राइट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे टू प्रूफ, हमको ये क्या लिखना है, क्या प्रूफ करना है वो हमको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए प्रूफ जब लिखेंगे तो अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहला इफ टू लाइंस, तो देखिए ये क्या है, ये हमारी ए बी लाइन हो गई और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ये हमारी क्या हो गई ओ सी, एक क्या हो गई रे हो गई। तो देखिए इस ए बी लाइन पर ओ सी रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। देखिए आप जानते हैं अगर लाइन है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का, और ये एंगल क्या रहा है इस पे इंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है ये एंगल ओसी जो क्या हमारी रे है इस पे को कितने एंगल फॉर्म होंगे, दो कैसे एंगल फॉर्म होंगे, एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे वे, यहां पे लिखेंगे हम ए ओसी रे ओसी लाई रे ओसी लाई ऑन लाइन ए बी। देखिए ये हमारी ओसी रे क्या कर रही है, इस लाइन पे क्या कर रही है, इस ए बी लाइन पे क्या कर रही है, लाइज कर रही है। तो ये हमने इतना राइट कर दिया। देखिए अगर ये रे ओसी इस पे इस ए बी लाइन लाइज कर रही है तो एंगल का फॉर्मेशन कितने डिग्री हो जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू किसके, 180 डिग्री के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम कर दिए इक्वेशन वन। देखिए हमने क्या कर दिया, इस ए बी लाइन को ले लिया, इस लाइन पे कौन सी ओ सी रे क्या कर रही है, लाइज कर रही है। तो इसका एंगल कितने डिग्री के फॉर्म, जो एंगल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एंगल जो अगर इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, ये हमारी लाइन सी डी हो गई, कौन सी रे की बार लाइन पे कर एक्सटेंड है, ओ बी लाइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे ओ बी स्टैंड रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन सी डी। यहां लाइज नहीं हुआ, यहां स्टैंड ऑन लाइन किस पे जाएगा, लाइन ए बी पे स्टैंड कर रही है। देखिए रे हमारी ओ बी पे स्टैंड करेगी तो यहां पे फॉर्मेशन कितने, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, अब की बार हमारा क्या है, ये एंगल दिया गया है, तो ये ओसी लाइन है और कौन सी, ये ओ बी हमारी क्या है, रे स्टैंड की है। तो एंगल यहां हो जाएगा बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स किसके जाएगा, 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, टू हो गया। देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में कुछ क्या है, कॉमन सा है, चलिए हम लिखते हैं। और ये किसके बराबर, यहाँ पे 180, यहाँ पे भी 180। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू टू वी हैव। देखिए हम इक्वेशन टू को क्या करते हैं, वी हैव, यहां पे हम लिखते हैं एंगल बी ओ सी, पहले इसको लिख देते हैं, प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू, अब इसको लिखते हैं किसके बराबर, एंगल ए ओ सी प्लस किसके, एंगल बी ओ सी के। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने क्या दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है।
ये हमारा 180 डिग्री के बराबर था, ये भी 180 डिग्री थे, तो हमने क्या लिख दिया एंगल BOC प्लस एंगल BOD किसके बराबर रहेगा, एंगल इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC के। अब देखिए यहां से BOC, ये BOC और ये BOC क्या है, इक्वल है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा AOC इक्वल्स टू किसके, एंगल BOD के। ये हमने क्या कर दिया, पहला हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, हमने ये दिखा दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा AOC किसके बराबर रहेगा, BOD के इक्वल रहेगा। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, ये हमने पहला प्रूफ कर दिया है, इसी तरह से हमको किसको, हमको प्रूफ करना है दिखाना AOD किसके बराबर होगा, ये हमको किसके BOC के। तो चलिए हम यहां पर फिर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं सिमिलरली, सिमिलरली देखिए सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, अब की बार हम लिख सकते हैं देखिए इस CD लाइन पे कौन सी, ये OA रेखा है एक्सटेंड की है, यहां पर लिख देते हैं रे कौन सी है AO स्टैंड ऑन लाइन CD। देखिए CD लाइन पे क्या कर रही है, CD लाइन हो गई, इस पे OA रे स्टैंड कर रही है, तो देखिए स्टैंड करेगी तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जब यहाँ पे लाइन स्टैंड करेगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या लिख देंगे, अब हमारा क्या AO रे हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स किसके 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। देखिए हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ इसके पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इक्वेशन वन हमारा क्या था, इक्वेशन वन हमारा था क्या था AOC, देखिए AOC किसके बराबर था BOC के बराबर था, तो देखिए यहाँ पे किसके इस, मतलब सॉरी ये AOC किसके बराबर एंगल था, दोनों एंगल COB इसके 180 डिग्री के इक्वल था। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम या तो यहाँ से या तो क्या कर देते हैं इस इक्वेशन थर्ड और किसके लिख देते हैं इक्वेशन वन, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड वी है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को क्या है, यहां पे भी हमारा एक 180 था, वहां पे भी 180 था, तो हम क्या करेंगे इसको इरेज करेंगे, हमारा इसके पहला फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, अब ये हमारा पहला इक्वेशन था, और यहाँ पे हमने जो प्रूफ थर्ड क्या है AOD एंगल AOD प्लस एंगल किसके हो जाएगा एंगल AOC, देखिए यहाँ पे क्या AOC और यहाँ पे भी AOC क्या इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम पूरा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा AOD इक्वल्स टू किसके हो जाएगा एंगल BOC के, तो ये हमारा क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यही प्रूफ हमको करना था, हमको ये दिखाना था AOC किसके इक्वल होगा BOD की, और क्या AOD किसके इक्वल होगा BOC के। देखिए हमने क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या दिखा दिए कि ये दूसरे कैसे होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते थे, यहाँ पे हमने पहला ये प्रूफ कर दिया, पहला कर दिया ये दूसरा, तो ब्लास्ट लिख दिया हेंस प्रूफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे एंगल हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है देन द वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमारी जो है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है किसका लाइंस और एंगल्स का, तो पहले हम क्या करते हैं एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं फिर एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए कह रहा है लाइन लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, देखिए हमारी लाइन पी क्यू और क्या है आर एस कैसी है, आर एस जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है इफ क्या कह रहा है पी ओ आर हमारा क्या है पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू किसके 5:7
फाइंड ऑल द एंगल्स, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑल एंगल्स। देखिए ऑल एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले अभी हमने जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमको क्या है पता है। तो देखिए अगर ये लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है, तो रेशियो दिया क्या पी ओ आर, देखिए पी ओ आर रेशियो किसके दिया, आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के, ये किसके बराबर हो गया है वन, मतलब दिया है रेशियो 5:7 के। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू हमारी क्या हो गई एक लाइन है, यहाँ पे लिखा है लाइन पी क्यू। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पी, लिखते हैं पी क्यू इज अ लाइन, हमारी क्या हो गई पी क्यू एक क्या हो गई लाइन हो गई। अगर ये लाइन है तो इसके एंगलों का सम किसके हो जाएगा 180 डिग्री के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या कर लिख सकते हैं रे, कौन सी रे, ओ आर स्टैंड ऑन ए लाइन किस पे, पी क्यू पे। तो देखिए क्या करें, ओ आर हमारी स्टैंड कर रही है रे किस पे, इस पी क्यू लाइन पे स्टैंड कर रही है, अगर स्टैंड करेगी तो क्या होगा, इन दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री पर, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ना लिख के हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं रे, क्या हो जाएगी रे, ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पे, पी क्यू, पी क्यू लाइन पे क्या करे स्टैंड करे, अगर पी क्यू लाइन पे स्टैंड करेगी तो हमारे एंगल कैसे लेंगे, पी क्यू सॉरी पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर किसके जाएंगे 180 डिग्री के। देखिए हमने क्या लिख दिया, ये हमारे जो कंडीशन दी गई थी पी ओ आर किसके इक्वल हो गए, आर ओ क्यू के, किसके डिग्री बराबर हो गए 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख देते हैं पी ओ आर रेशियो किसके, एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स किसके 5:7 के दिया गया है। इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर अपान किसके, एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स किसके 5:7 के। तो देखिए इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो एंगल हमारा क्या गया पी ओ आर इक्वल्स टू 5 अपान किसके हो गया 7, यहाँ हमने लिख दिया एंगल कौन सा एंगल आर ओ क्यू, ये हमारा क्या हो गया एंगल आर ओ क्यू। अब देखिए इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, इस पी ओ आर की, इस एंगल पी ओ आर की वैल्यू अगर हम किसमें इसको इक्वेशन वन कर देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन वन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, हमको इसकी आर ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, आर ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, हम किसकी पी ओ आर की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके हम इसके प्लेस पे क्या रखते हैं, इतना रखते हैं, यहां पर 5:7 एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू किसके 180 डिग्री। देखिए ये भी दोनों का क्वांटिटी सेम है पर डिटर्मिनेटर सेम नहीं है, इसका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना जाएगा 7 आ जाएगा, यहां हमने 7 लिख दिया, ये हमारा कितना होगा 5 एंगल आर ओ क्यू प्लस यहां किससे 7 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7 एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू किसके जाएगा 180 डिग्री के। देखिए 180 डिग्री लिख दिया, अब यहां से क्या करते हैं इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको आपस में ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 एंगल आर ओ क्यू और यहां पे हम क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180 मल्टीप्लाई इसके 7। अब देखिए यहां पे हम फाइंड करते हैं आर ओ क्यू इक्वल्स टू इसके
180 डिग्री मल्टीप्लाई 7 अपॉन किसके 12। देखिए 12 से डिवीजन करेंगे तो 12 वन जाए 12, ये हमारा कितना गया 1 आ गया और ये 60 हुए, 12 5 जा 60, इसका 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके आ जाएगा 105 के। तो कहने का मीन्स हो गया हमारा एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल आ गया 105 के। तो हमारा एंगल कौन सा आर ओ क्यू, ये हमारा एंगल किसके हो जाएगा 105 पे जाएगा। अगर ये एंगल 105 पे जाएगा इसका और अपोजिट एंगल कौन सा है पी ओ एस, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये हम क्या कर देंगे ऐसे राइट कर देंगे। अब हमको किसको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना किसे पी ओ आर, तो इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे देख लेते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स किसके लिखा था 5/7 और क्या लिखा था एंगल लिखा था आर ओ क्यू। देखिए आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 105 आई है, यहाँ पे लिख देंगे 5 × 7 मल्टीप्लिकेशन कितने एंगल कितनी 105 आया तो 5 लिख देंगे, 7 से डिवीजन किया तो क्या आ गया यहाँ पे 7 × 7 और कितना 3 बचा 35, 7 × 5 देखिए किसके हो गया 35 हो गया, तो 15 डिग्री आ गया। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 से कितना 15 5 से कितना 75, तो हमारा जो एंगल आ गया कौन सा एंगल आ गया एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया इस 75 डिग्री के क्या हो गया इक्वल हो गया। देखिए अगर ये एंगल किसके 75 डिग्री के इक्वल हो गया तो हमको इसमें आर वैल्यू बतानी थी, तो आर वैल्यू क्या होगी हमारा ये भी एंगल क्या होगा 75 हो गया और ये भी एंगल हमारा क्या रहेगा 75 हो गया। अभी हमने इसके पहले बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और कैसे हो गए इक्वल हो गए। इस तरह से हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लगा लिया, अब आइए एग्जाम्पल हम सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल टू कह रहा है रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी क्यू, देखिए ये हमारे क्या पी ओ क्यू एक लाइन हो गई, कौन सी रे स्टैंड की है ओ एस, देखिए ओ और एस, उसके बाद कह रहा है रे ओ आर एंड रे ओ टी, देखिए कह रहा है रे ओ आर और क्या है ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, पी ओ एस क्या है इस ये हमारा क्या ओ आर बाई सेक्टर है और फिर कह रहा है एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू का बाई सेक्टर कौन सा है ये ओ टी है रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है इफ पी ओ एस मतलब हमारा क्या हो गया पी ओ एस ये इतना पूरा एंगल किसके बराबर है एक्स के बराबर है, फाइंड आर ओ टी किसकी हमको वैल्यू आर ओ टी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन में हमको क्या दिया गया था, गिवन हमको दिया गया है रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी क्यू, ठीक है तो ये हम ऐसा लिख देंगे, अगर स्टैंड करेगा तो जो हमारा कंडीशन बनता है उसको हम क्या कर देंगे राइट कर देंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहां पे रे ओ एस स्टैंड स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कौन सी लाइन होगी पी ओ क्यू, ये हमारी क्या है पी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड करेंगे। देखिए अगर स्टैंड करेगी तो एंगल कितने डिग्री का 180 डिग्री का बनाएगी, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल कौन सा एंगल कह रहा है एंगल हमारा कितना हो गया कि ओ एस हो गया, देखिए ओ एस तो हमारा एंगल क्या रहेगा एंगल एस ओ क्यू बराबर किसके रहेगा 180 डिग्री के, यहाँ पे उन्होंने 180 डिग्री लिख दिया और क्या कह रहा है कि पी ओ एस बराबर किसके कह रहा है एंगल एक्स, यहाँ पे हमको ये दिया गया है ये सॉल्यूशन में दिया गया, इसके स्थान पे हम कितना लिख देंगे एक्स डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स किसके 180 डिग्री, इसका हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल एस ओ क्यू बराबर किसके 180 माइनस किसके हो जाएगा एंगल एक्स के हो जाएगा। तो ये हमने क्या पहली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है रे ओ आर, देखिए क्या कह रहा है रे ओ आर, ये हमारा ओ आर किसका है एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी ओ एस, किसका पी ओ एस का बाई सेक्टर है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रे, क्या रे, कौन सी रे होगी हमारी, ओ आर, ओ आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल कौन सा, पी ओ एस। अगर ये पी ओ एस का बाइसेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल, क्या, पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू किसकी जगह, वन बाई टू ऑफ एंगल पी ओ एस हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया गया है, ये हमारा पी ओ आर और क्या आर ओ एस क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये इतना एंगल बराबर किसके, इस एंगल के, तो देखिए क्या है, और इस एंगल ये क्या है, ये टू टाइम्स होगा किस एंगल का, पी ओ क्यू का, मतलब हमारा टू टाइम्स एंगल होगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ आर किसके बराबर होगा, पी ओ एस के बराबर होगा, या फिर किसके, टू टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस बराबर किसके होगा, पी ओ एस के। तो हमने यहां पर लिख दिया कि पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस किसके हो जाएगा, इक्वल हाफ ऑफ किसके, इस टोटल एंगल के हाफ हो जाएगा। तो चलिए हम किसकी, आर ओ एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स किसे, पी ओ एस की वैल्यू कितनी थी, एक्स डिग्री थी, तो यहाँ पे हमने एक्स डिग्री लिख दिया, बाई किसके हो गया, टू के हो गया। देखिए हमने क्या कर दिया, आर ओ एस की फाइंड करनी है, तो देखिए आर ओ एस की फाइंड हो गया, तो हम किसका, अब यहाँ पे कह रहा है ओ टी, ओ टी क्या है, बाइसेक्टर है। देखिए हमने यहां तक क्या कर दिया, यहां तक फाइंड कर लिया, अब कह रहा है फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कह रहा है रे ओ टी कह रहा है आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसके, एस ओ क्यू, मीन्स एस ओ क्यू का ये क्या है, ओ टी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मीन्स अभी जैसे ये सेम था, तो हम कह सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ टी प्लस इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल टी ओ एस किसके हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा एस ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहां पे, हम लिखते हैं रे क्या हो जाएगा, ओ टी इज बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल लिख देंगे, एस ओ क्यू, ये हमारा क्या होगा एंगल, एस ओ क्यू का क्या होगा, बाइसेक्टर हो गया। तो यहां हम लिखते हैं एंगल, क्या लिखते हैं, क्यू ओ टी इक्वल्स टू एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल किसके, एंगल एस ओ क्यू के, ये क्या उसके हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल किसके, इस एस ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए अगर बराबर हो जाएगा तो हम क्या लेते हैं, इसी को हम किसी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर लिख दे रहा है एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू वन बाई टू। देखिए एस ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई है, यहां पर हमने फाइंड किया था 180 माइनस एक्स, तो यहां पर लिख देंगे 180 माइनस एक्स। देखिए इस टू से डिवीजन कर देंगे, तो एंगल किसकी, एस ओ टी इक्वल्स टू हमारा रहेगा 90 माइनस एंगल एक्स के, ये हमारा कितना हो गया, एंगल एक्स आ गया। देखिए हमको किसकी वैल्यू मिल गई, एस ओ टी की वैल्यू मिल गई और किसके, आर ओ एस की, तो किसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, आर ओ टी की, आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर देंगे, तो आर ओ टी बराबर किसके, एंगल आर ओ टी बराबर किसके, आर ओ एस और एस ओ टी की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां लिखते हैं नाउ, तो क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ टी किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल किसके, एस ओ टी। देखिए आप इस सब की वैल्यू क्या किए हैं, फाइंड किए हैं, तो आर ओ एस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां पे आ जाएगी एक्स बाई टू के, एक्स बाई टू डिग्री हो गया। देखिए यहां से जब टू से डिवीजन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा, इसको राइट कर लेंगे, प्लस हमारा किसके हो जाएगा, प्लस आ गया, क्या लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी आई थी 90 डिग्री
माइनस एंगल एक्स बाई टू। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस एक्स बाई टू है, यहाँ माइनस एक्स बाई टू है, ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो किसकी वैल्यू एंगल आर ओ टी इक्वल्स किसके आ गया 90 डिग्री किया गया। देखिए ये किसके बराबर आ गया 90 डिग्री किया गया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ पे आर ओ टी की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर हमने क्या किया, टू को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर। एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एस ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज, क्या है फोर रेज है, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू इसके 360 डिग्री। हमको ये दिखाना है इस पूरे एंगल का समाप किसके डिग्री होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए ये प्रूफ करने के लिए तो हम गिवन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज, ये क्या हो जाएंगी, रेज हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन में लिख देते हैं, या यहाँ से ये इतनी चीज क्या कर लीजिएगा, इसे राइट कर लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा, गिवन में लिख रहा है, मतलब हमको ये दिया गया है प्रूफ करने के लिए। देखिए प्रूफ दैट हमको दिखाना है कि क्या, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद ये प्रूफ कैसे करेंगे, जब हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, यहाँ पे सब ये क्या हमारी है, रे है, रे से हम क्या, रे से 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए क्या करते हैं, इसे इसे हम क्या करते हैं, इस OQ जो हमारी क्या है, OQ जो रे है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कहां से, QO को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ऐसे हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तब ये हमारी ये क्या हो गई, एक हमारी लाइन का ये फॉर्मेशन करेगा, इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका हमने नाम रख दिया T, हम लिख दिए OT, हम क्या कर दिए, OQ प्रोड्यूस टू पॉइंट T, हमने क्या किया, OQ को कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट टी तक, हमने क्या किया, OQ को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक, पॉइंट टी तक। तो कंस्ट्रक्शन में अब हम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन में से क्या करते हैं, राइट करते हैं। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया QO प्रोड्यूस एट अ पॉइंट टी, माने हमने क्या कर दिया, इस Q को क्या कर दिया, QO को क्या किया, प्रोड्यूस किया, कहां तक, एक पॉइंट क्या हो गई हमारे T, तब हमारे क्या रहेगा T, ये हमारा क्या रहेगा, यहां पे पॉइंट हमने क्या लिख दिया, T लिख दिया। देखिए ये T हमारा क्या रहेगा, PQ इज अ क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, ये लाइन रहेगा, लाइन पे इस पे क्या होगा, ये हमारी जो रे क्या है, OP क्या है, इस पे स्टैंड कर रही है, यहां पे हम लिखेंगे रे OP स्टैंड स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, टी ओ क्यू। देखिए टी ओ क्यू पे अगर लाइन पे स्टैंड करेगा तो लीनियर पेयर के एग्जाम से, हमारे एग्जाम से क्या हो जाएगा, इसका एंगल का सम ऑफ किसके 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, हमको क्या, पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ सॉरी पी ओ टी इक्वल्स किसके जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। और उसके बाद देखिए हमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, फिर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रे, हमारे एक बार रे कौन सी, ओ एस, देखिए ओ एस, ओ एस स्टैंड स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पे, हमारी जो लाइन है कौन सी, टी ओ क्यू पे क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। देखिए अगर टी क्यू पे एक्सटेंड करेगा तो यहां पे हमारा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम क्या कर देंगे,
लिख सकते हैं। फिर हम देखिए क्या लिखते हैं, हमने ऐसा लिख दिया इसको टी ओ एस, देखिए एस ओ क्यू को, एस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं उसको हम लिखते हैं, देखिए यहां पर मैं लिख दिया एंगल टी ओ एस प्लस, देखिए इस एस ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, देखिए आर ओ क्यू इक्वल्स किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम क्या कर दिया इक्वेशन सेकंड कर दिया, देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फिर यहां लिखते हैं एडिंग, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, वी हैव, देखिए इक्वेशन वन और टू को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल पी ओ टी प्लस, अब इस एंगल को हम क्या करते हैं राइट करते हैं, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस, देखिए यहां थोड़ा हम इसको गायब कर देते हैं यहां से, प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स किसके 180 डिग्री, हमने क्या कर दिया इसको ऐड कर दिया। देखिए यहां से हमारा क्या जाएगा, ये एंगल पी ओ, देखिए पी ओ टी और टी ओ एस को क्या लिख सकते हैं हम, लिख इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या एंगल पी ओ क्यू प्लस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमारा एंगल पी था तो यहां पे हमारा पी पॉइंट था तो पी ओ टी, टी यहां पे था प्लस टी ओ एस, तो इसको लिख सकते हैं पी ओ एस, यहां पर हम एंगल लिख देंगे क्या एंगल पी ओ एस प्लस किसके हो जाएगा हमारा एंगल किसके एस ओ आर, तो यहां पर लिख दिए एंगल एस ओ आर प्लस, फिर किसके बचा हमारा एंगल, एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स किसके हो गया, देखिए यहां पे हमने इक्वल्स लिखा प्लस 180 डिग्री, यहां पे भी ऐड कर लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो अब हमारा इक्वल हो जाएगा किसके हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिख देंगे तो हमारा क्या रहेगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स किसके जाएगा 360 डिग्री के हो जाएगा। देखिए यहाँ हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, देखिए हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर, जो प्रूफ करना था वो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो क्या प्रूफ करना था, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स किसके 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल थ्री को क्या करना है प्रूफ करना था, दिखाना था कि पूरे एंगल का सम ऑफ कितने होता है 360 डिग्री होगा, तो हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब देखिए जो आगे की एक्सरसाइज है उसको हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर इस पर क्या करेंगे हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, हम इसके जो एक्सरसाइज 6.1 है हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।